घर में कोई भी नहीं था, मेरी बहन थी बड़ी, बाहर से कुंडी लगा के मुझे ले गए थे और मुझे जबरदस्ती ले गए थे। क्या किया वहाँ पे ले जाके आपके साथ? जबरदस्ती निकाह किया है, फिर मुझे ताले में रखते थे और खुद ही हम घर में बैठते, तुम काम करने जाओ, हम मांग मांग के थक गए हैं ऐसे क्या। मैं अकेली थी घर में। अच्छा, फिर मैं भाग गई। तो पाकिस्तान के अंदर 15-16 साल की लड़की को भाई ऐसे ही घर से उठा ले जाते हैं, और उनको जो उठाने के बाद उनसे जबरदस्ती शादी की जाती है। शादी करने के बाद उनसे भाई भीख मंगवाई जाती है, और भाई इतना नहीं, अगर वो भीख नहीं मांग पाती तो उनके साथ जिस्म फरोशी का उनसे जो है काम करवाया जाता है। ऐसी एक लड़की की कहानी है, चलिए क्या कहती है, चलिए देखते हैं। मेरे साथ ये 13 साल की बच्ची मौजूद है, मिसबा इसका नाम है, जिसको मोहल्ले का उबाश लड़का है। इसके साथ छेड़खानी करता था, तंग करता था कि शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारे घर वालों से ज्यादा तुम्हें खुश रखूंगा। उसके बाद इसको घर से उठाकर ले जाया जाता है और यहाँ से इसको किसी और शहर ले जाया जाता है। खुद तो वो फैमिली भीख मांगती है, लेकिन इसको बहुत सुहाने ख्वाब दिखाए जाते हैं कि हम तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे। यहाँ से ले जाते हैं, तकरीबन 3 माह इसको अपने साथ रखते हैं, जबरदस्ती इसके साथ निकाह किया जाता है। उसके बाद 3 महीने इसके साथ क्या सलूक किया वो इसी से पूछते हैं, और उसके बाद ये वहाँ से भागने में किस तरह से कामयाब हुई है वो भी इसी से बात करते हैं। घर से किस तरह से आपको लेकर दे? घर में कोई भी नहीं था, मेरी बहन थी बड़ी, और वो अंदर कमरे में थी और जबरदस्ती मुझे कह रहे थे आओ, बाहर से कुंडी लगा के मुझे ले गए थे। उसकी अम्मी थी, 2 भाई थे उसके। अच्छा। और मुझे जबरदस्ती ले गए थे। तो आपको क्या कहते थे कि हम मतलब खुश रखेंगे तुम्हें अपने घर में, तुम खुश नहीं हो? हाँ, ऐसे ही कहते थे। यहाँ से आपको कहाँ लेकर गए थे? पिंडी में। पिंडी में लेकर गए हैं, क्या किया वहाँ पे ले जाके आपके साथ? जबरदस्ती निकाह किया है, कह रहे थे तुम्हारी अम्मी को कत्ल कर देंगे बहन भाई के ऊपर अगर तुमने निकाह नहीं किया। तो मैंने कर लिया, फिर डर के मारे, फिर मुझे ताले में रखते थे और खुद मांगने जाते थे, भीख मांगते थे वो लोग। हाँ। अच्छा, कितने लोग थे वहाँ पर? सारे का सारा घर, जितनी भी फैमिली थी सारी चली गई थी यहाँ से? हाँ जी। अच्छा, फिर भीख मांगते थे आपको घर में कैद करके रखा होता था? हाँ। तो आपके शोहर का जो जिसके साथ आपका निकाह हुआ है उसका क्या सलूक था आपके साथ? वो भी अच्छा नहीं था, मारता था। मारपीट किस बात पे करता था? कि बाहर नहीं जाना, दरवाजे पे नहीं खड़ी होना, इसलिए। क्या डर था उसको कि कहीं भाग ना जाओ आप? यही डर था ना। वहाँ से जब भागी हो, किस तरह से कामयाब हुई हो, भागी कैसे हो वहाँ से? दीवार से कूद। कहाँ थे घर वाले सारे, किस तरह प्लान किया आपने कि चलो भाग जाती हूँ? वो अपने भाई के घर गए थे शाम को और मैं अकेली थी घर में। अच्छा, फिर मैं भाग गई। भाग के किधर गई हो? थाने में। सीधा थाने चली गई वहाँ से? बाहर एक आदमी खड़ा सी, उन्होंने कहते सी अंकल मैं, मेरे पापा ने इन्होंने पर्चा किया इन्हें, तो मेहरबानी मैं मेरे पापा ने गल करा दो। उन्हें कहा बेटा तेरे को नंबर भी नहीं है, तेरे प्यो ने फिर पर्चा किया है ना, मैं थाने भेजना वो परचे तो लभन गए। फिर उन्हें फिर नंबर मेरा लभ्या, नंबर कर रात के 3 बजे उन्होंने फोन किया मैंने थाने वाले ने। उन्हें 3 माह के बाद आप यहाँ पर खुआर हुए हैं। हाँ। इस बच्ची के लिए 3 महीने बाद आपको पिंडी से फोन आता है कि आपकी बच्ची तो अगर टैक्स ला उतो टैक्स ले आँदी है। बहुत जलील होया सी, बहुत इतों ताले ला के ना नस गया सी। आपको उसकी जो माँ है वो क्या कहती थी भीख मांगने को और लोगों के घर में काम करो? कह रही थी हम घर में बैठते तुम काम करने जाओ, हम मांग मांग के थक गए हैं ऐसे कह रही थी। और आप जो ईद वाले दिन का जिक्र कर रही थी वो क्या था? वो ईद वाले दिन भी मुझे अंदर ताले में रख गया, आप खुद बाहर चले गए थे घूमने फिरने के लिए। घूमने फिरने या अपना कारोबार ही था भीख मांगना, तो ईद के दिन जाहिर है लोग बाहर निकलते हैं तो भीख मांगने गए होंगे। बिल्कुल सही है कि चलो कुछ ना कुछ लगेगा। तो ये यहाँ पर जब मौजूद थे मोहल्लेदार थे ना आप लोगों के, तो रिश्ता वगैरह मांगते थे इसका? हाँ मांगते थे, उसकी माँ मांगती थी, लेकिन असी नहीं दिता सी कि नहीं असी साढ़े रिश्तेदार नहीं, तुसी असी 1 महीना होया सानू आया तो तुसी साढ़े रिश्ते मंगदे पए हो। मैं कहा नहीं असी। अच्छा, आपको शिफ्ट हुए 1 महीना हुआ था और 1 महीने बाद रिश्ता मांग लिया? मांग लिया, आना जाना शुरू कर दिता उस बुढ़ी ने। फिर मेरी बेगम ने कहा नहीं असी नहीं करते घर असी अपने करने। अंदाजा था जब यहाँ पर बुढ़ी ने वर्क ला के ना इन किसी तरीके कटा दिता उन्हें, ये तो नहीं मानते तो मैं ऐसा नहीं करा। मुझे ये बताएं कि जब यहाँ पर ये लोग मौजूद थे आप लोगों को पता था भीख वगैरह मांगते हैं इनका ये काम है? हाँ जी, दरबार जाती सी माँ जी मुंडे की, दरबार मंगन जाती सी घर मंगती जाके रोड के उत्ते भी, बड़िया ने वेखी बहुत वेखी, सारे पता लग गया महल वाले। क्योंकि बच्ची आपकी बाजियाब हो गई है, चाहे अपनी उसकी वजह से अपनी मेहनत की वजह से ही हो गई है, बच्ची बाजियाब हो गई है, पुलिस ने तो नहीं बच्ची को बाजियाब करवाया ना इतने महीने गुजरने के बाद? अब वो फैमिली किधर है अब इसको, क्योंकि अब ये उसके निकाह में भी है। हाँ बिल्कुल। अब वो फोन नहीं करते हैं? करते थे पहले, गाला खलो बहुत तंग करते सी, गाला करते सी हम तो तुम्हारी बेटी को दूसरी को ले जाएंगे, अंजे वो फलाने ढींगे सानू ना दीती थी। मैं कहा इधर आओ फिर करने हैं तड़, नहीं आए दोबारा हूँ 10-15 दिन हो गए उनके माँ तो प्यो आ गया। अच्छा। मैं आज खुद देख के आया। अच्छा। लेकिन किसी और को तो नहीं कहीं शिकार करने आए, किसी और को ले जाएंगे? की पता जी किसी के दिल तक की पता है, तो वे मियाँ बीबी आए ने, लेकिन मैं उन्होंने कोई गल नहीं की। साड़ा केस भी किसी ने नहीं, थाने का रसकर सी उन्हें भी कुछ नहीं किया। बेटा आपके साथ उसने निकाह किया है वहाँ पर, आप उसकी बीवी बन के वहाँ पे रही हो, अब आपके साथ उसने रابطہ नहीं किया दोबारा कि जब वहाँ से भागकर आप आ गई हो, फ़ोन वगैरह तो करता होगा क्योंकि अब तो आप उसकी बीवी? पीछे आए थे मेरे मुझे ढूंढने के लिए। अच्छा। और पुलिस वाले ने मेरे से मुलाकात नहीं उन लोगों की कराई, वो भी उधर ही रात ठहरे थे कि हमें दे दो, वो कह रहे थे मैंने उसी थाने में जिधर आप। अच्छा।
आपने इनकार कर दिया था जाने से? हाँ, वो कह रहे थे इसकी अम्मी अब आ रहे उन्हें ले जाएंगे, पुलिस वाले कह रहे थे और वो चले गए थे। फिर ये कितने बड़े बड़े ग्रुप बैठे हुए हैं जो भीख मांगते भी हैं और इस तरह से लोगों के बच्चों को अगवा कर लेते हैं, किसी का बच्चा कहीं से मिल गया, उठा लिया, खरीद लिया और उसके बाद अपने कारोबार को चमकाने के लिए या तो उनको मजबूर कर दिया जाता है या उनको उनके साथ कोई और इस तरह का मसाइल खड़े कर दिए जाते हैं उनके साथ और वो फिर भीख मांगते हैं। अब ये जवान लड़की है, तकरीबन 14 साल इसकी उम्र है और इसको घर से ले जाया जाता है और इसको इसी पर्पज़ के लिए। तो भाई ऐसे हालात है पाकिस्तान के अंदर, कैसे लड़कियों को उठा लिया जाता है घर से भाई, जबरदस्ती उनसे शादी करी जाती है, जबरदस्ती उनके साथ गलत चीजें करी जाती है, फिर उसको बोला जाता है कि भीख मांगो, हमारे लिए भीख मांगो। भाई शादी करके ले जाते तुम लड़की को अपने घर में तो अपनी बहू बनाने के लिए, एक नई जिंदगी देने के लिए लेते, लेकिन नहीं भाई पाकिस्तान के अंदर उल्टा है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर होता है क्या, पाकिस्तान के अंदर लड़कियों को ले जाते हैं भाई, उनसे भीख मंगवाते हैं, उनके देवर फूफा के लड़के भाई जो होते पहले उनसे मजे लेते, उसके बाद जो है उसके भीख मंगवाने का काम किया जाता है। लड़की ने भाई पूरी कहानी बताई, बड़ा दर्दनाक कहानी लगी भाई, बेचारी 16-17 साल की लड़की होगी भाई, इसको जो है ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ा। दोस्तों ये पाकिस्तान के अंदर बड़े ही खुलेआम चलता है और भाई सभी लोग इसका सपोर्ट करते हैं, कोई इसका खिलाफ खड़ा नहीं होता है। आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में, प्लीज कमेंट करना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।